बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी भाषण होगा। थोड़ी देर में भारत मंडपम पहुंचेंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी आज पार्टी को देंगे जीत का मंत्र। तमाम पार्टियों, पार्टी के जो बड़े नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, मुख्यमंत्री हैं अलग अलग राज्यों के, वो इस वक्त भारत मंडपम में ही मौजूद हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं भारत मंडपम। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होना है और उससे पहले जो बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन का दूसरा प्रस्ताव आज आना है, उस पर भी सबकी नजरें हैं, जो कि गृह मंत्री अमित शाह पेश करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। अनुप्रिया हमारे साथ जुड़ रही हैं, प्रवक्ता हैं जेडीयू की। राखी राठौड़ प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर जयंत जिज्ञासु प्रवक्ता आरजेडी के थोड़ी देर में आपको नजर आएंगे स्क्रीन पर, हमारे साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर वरुण पुरोहित राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। राखी राठौड़ जी, सबसे पहला सवाल आपसे, आज अधिवेशन का दूसरा दिन है और गृह मंत्री अमित शाह जिस प्रस्ताव को पेश करेंगे उसमें ऑपोजिशन को और खास करके इंडिया गठबंधन को बड़े पैमाने पर घेरने की कोशिश की जाएगी। लोकसभा चुनावों से पहले इस अधिवेशन के जरिए पार्टी क्या मैसेज देने की कोशिश कर रही है? लगता है राखी राठौर जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, उनका हम रुख करेंगे। लेकिन इस बीच डॉक्टर वरुण पुरोहित भी हमारे साथ जुड़े हुए, बताओ राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर वरुण पुरोहित, यह आपसे जानना चाहेंगे, कल का प्रस्ताव हमने देखा, इसमें बीते 10 साल में मोदी सरकार का कामकाज कैसा रहा, राम राज्य का जिक्र किया है, लेकिन आज जो प्रस्ताव है वो इंडिया अलायंस को लेकर सामने आ रहा है जिसमें साफ तौर पर हताशा की बात कही जा रही है और किस तरह से इंडिया अलायंस कमजोर पड़ रहा है इसका जिक्र हो सकता है। हाँ, लेकिन ये जो भारतीय जनता पार्टी, आज की भारतीय जनता पार्टी, पार्टी विद द डिफरेंस तो खत्म हो चुकी। इनके लिए परिवारवाद, आपातकाल की जो क्रिटिसिज्म करते थे, भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे, 84 के दंगे, इनके लिए कोई मायने नहीं रखते। आज के टाइम में सत्ता मायने रख रही है और ये बार बार कह रहे हैं चार सौ पार। जो अगर बैंक बैलेंस बढ़ाना है दूसरों को दिखाने, तो क्या उधार लेके बनाओगे? आप कर्ज लेके अपना बैंक बैलेंस बताओगे कि 400 पार? आपकी खुद की पार्टी थी, आपके पास नेता नहीं है, ये पूरे देश को समझ में आ चुका। लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के ये जो नेता जा रहे हैं तो बढ़िया बात है, ये मलाई चाटू सेटिंग में आ जाए, खूब इन्होंने मलाई खाई कांग्रेस में रहकर, अब कुछ नहीं मिल रहा है तो दूसरी तरफ भाग रहे हैं, इनसे तो सफाई हो जाएगी कांग्रेस पार्टी की। लेकिन कांग्रेस पार्टी अभी देखिए राज्यसभा की जो लिस्ट आई, इन्हीं के जो साथी है, इन्हीं के जैसे जो लोग हैं, तीन तीन बार जमानत जब्त हो गई, तीन बार चार बार लोकसभा हार गए, उन्हीं को राज्यसभा दी जा रही है। तो कांग्रेस पार्टी का जो कार्यकर्ता है उसमें निराशा हो गई है और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को जैसे आपका भी आ रहा है जागो भारतवर्ष, जैसे जागना जरूरी है उनको, जागेंगे नहीं, अपने जो सलाहकार है उनको नहीं हटाएंगे तो कांग्रेस पार्टी के लिए दिक्कत आएगी। आज भी कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी देश की पार्टी है, उन्हीं को ले लेके आप देखिए सारी पार्टियां, या तो कांग्रेस जो पार्टी सत्ता में नहीं होती तो उसके लिए दिक्कतें तो वैसे ही हो जाती हैं। यही बात बीजेपी पर तो लागू नहीं हो रही है। अशोक चौहान कांग्रेस से बीजेपी का दामन थामते हैं और राज्यसभा की लिस्ट में उनका नाम आ जाता है तो ये दिक्कतें उधर नहीं हो रही है ना? ये बीजेपी के लिए प्रॉब्लम की बात है ना, जो जिन पे आप भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हो, कांग्रेस के नेता है, कांग्रेस पृष्ठभूमि से आ रहे हैं, वो बीजेपी में तुरंत आकर के राज्यसभा पा रहे हैं। जो वर्कर है बीजेपी का उसका भी शोषण हो गया और कांग्रेस पार्टी का मैंने आपको बताया ही, तीन तीन चार चार बार हारोगे जब आपको राज्यसभा मिलेगी, तो ये राजनीतिक व्यवस्था जो बिल्कुल ठीक बात है। जयंत जिज्ञासु हमारे साथ जुड़ गए आरजेडी के प्रवक्ता। जिज्ञासु जी क्या कहेंगे, अमित शाह आज प्रस्ताव पेश कर रहे हैं पार्टी के अधिवेशन में और उसमें इंडिया गठबंधन के जो तमाम दल हैं उनमें जिस तरह की आपसी सिरफुटवल मची हुई है, जिस तरह का एक हताशा का माहौल है उसका जिक्र होने जा रहा है, कैसे काउंटर करेंगे आप लोग? नहीं, उनकी पार्टी है, वो अपने अधिवेशन में जिस बात का भी जिक्र करें, जो भी प्रस्ताव लाए, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने कहां से डॉक्टरी पढ़ाई की है, कौन सा थर्मामीटर है कि वो माहौल को मापते आंकते जांचते रहते हैं। हम लोग बहुत बुलंद हैं,
और ये लोग जा रहे हैं उस घबराहट में हमारे सभी सहयोगियों को ईडी सीबीआई का डर दिखा के डंडा चला के अपने पाले में कर रहे हैं। लेकिन आपको मालूम है कि झारखंड में हमारी सरकार है, तमिलनाडु में है, केरल में है, दिल्ली में है, पंजाब में है, पश्चिम बंगाल में, हिमाचल में है, हम लोग तो इनको तेलंगाना में है बुरी तरह से परास्त करने वाले हैं। ऐसा झटका फिर कभी इनको होश नहीं होने वाला है। इस देश की आवाम इनसे इतनी नाराज है। अच्छा। इन्होंने एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न दे दिया और किसानों की आय दुगुनी करने का जो फॉर्मूला स्वामी जी जी चलिए राखी जी भी हमारे साथ हैं, आपकी आवाज अभी नहीं पहुंच पा रही है। श्रम ठीक है आप अपनी बात पूरा करिए। लागत मूल्य और 50% उनको लाभ मिले उस पर कोई बात ही नहीं हो रही, उनकी रिपोर्ट ही गायब कर दी है। तो चरण सिंह जी की आड़ में कब तक आप अपना सर छुपाएंगे? ठीक है, तो किसान बहुत नाराज हैं देश भर के। ठीक है किसानों की नाराजगी का जिक्र आप कर रहे हैं, आरजेडी की तरफ से जिक्र किया जा रहा है। राखी जी अब आपसे सवाल यह है कि देखिए जिस हताशा की बात कही जा रही है और जो आज प्रस्ताव आने वाला है राष्ट्रीय अधिवेशन में, दूसरे दिन दूसरा प्रस्ताव, लेकिन आरजेडी के जो नेता उनको आपने सुना, उन्होंने कहा कि हताशा नहीं है बल्कि डर दिखाया जा रहा है सीबीआई का ईडी का। देखिए समीर जी, मैं तो ये कहूंगी प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, सबके सामने है कि जो स्थिति इंडिया अलायंस के जो पार्टी के लोग हैं उनके गठबंधन के अंदर जो पार्टीज हैं उनके बीच में किस तरह की ये लोग शब्दों का प्रयोग करते हैं, किस तरह की सिर्फ उटव्वल है, ये सभी लोगों ने देखा, देश की जनता इसको देख रही है। ईडी और सीबीआई के डर की बात हो रही थी, ये बताइए समीर जी आपको डर नहीं लगता? मुझे भी डर नहीं लगता ईडी सीबीआई से। डर किसे लगता है? डर उसे लगता है जिसने कुछ गलत किया हो, और अगर आप भ्रष्टाचार करेंगे तो जो हमारी एजेंसीज हैं हमारे देश की वो एक्शन लेंगी, तो उसको आप हर बार विक्टिम कार्ड नहीं खेल सकते हो। आप गलत काम भी करोगे और एजेंसी अगर आप पे एक्शन लेती है तो आप कह रहे हैं हमें डर लग रहा है। डर, अरे डर क्यों लग रहा है? आपको नहीं लग रहा, मुझे नहीं लग रहा, तो ऐसे लोगों को डर लगना चाहिए जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, और ये डर है तो अच्छी बात है। और जहां तक देखिए भारतीय जनता पार्टी की बात है, हमने तो अपनी लकीर को हमेशा लंबा करने का काम किया है, हम अपनी रिपोर्ट कार्ड के बूते पर जाएंगे। और अभी जिज्ञासु जी बहुत बड़ी बड़ी बातें किसानों के लिए कह रहे थे, मैं तो कहती हूँ कि हाँ बातचीत इस बात पर होनी चाहिए कि हम लोगों ने क्या किया और आपने क्या किया। 10 साल का जो यूपीए गवर्नमेंट था, हमने देखा कि मजबूरी की सरकार वहां पर रही, हर जगह भ्रष्टाचार की बात, पूरे देश में जो माहौल था। लेकिन आज मुझे खुशी है कि हम फ्रजाइल 5 से फास्टेस्ट ग्रोइंग 5 के अंदर आए हैं। 25 करोड़ से ऊपर लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम किया है। 3 करोड़ हम लोग लखपति दीदी जल्दी बनाएंगे, तो चाहे वो गरीब हो, चाहे महिला हो, चाहे किसान हो या युवा हो, हर एक वर्ग को जिस तरह से मोदी जी ने एड्रेस करने का काम किया है, मुझे लगता है कि हमारे देश की जनता पूरे विश्वास के साथ में आगे आने वाले चुनाव में जनसेवक के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का चयन करेगी।